नोएडा सेक्टर 18 में देर रात ये मार्केट का एरिया जहां पे पार्किंग अटेंडेंट की गलत तरीके से पार्किंग कार को पार्क करने के चलते और तेज रफ्तार में गाड़ी को बैक करने के चलते एक तरह से आप उसकी पार्किंग टैक्टिक्स कह सकते हैं, जिसने एक 8 महीने की गर्भवती महिला की जान ले ली। और अगर मैं सेक्टर 18 के पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर पार्किंग एक गंभीर मसला है। रोजाना लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। यहाँ पे एक तरह का हुजूम गाड़ियों का लगता है, लेकिन आज तक किसी ने गौर नहीं किया कि यहाँ पर कितनी वैध पार्किंग है और कितनी अवैध पार्किंग है। यहाँ पे बेधड़ल्ले से पार्किंग ठेकेदारों और पार्किंग माफियाओं द्वारा पूरा एक तरह से बिजनेस चलाया जा रहा है। अवैध पार्किंग को तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, साथ साथ अवैध पार्किंग को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे वन लाइनर सिस्टम है वहाँ पे दो दो गाड़ियों की लाइन बना के उन्हें पार्क किया जा रहा है। तो पार्किंग की प्रॉब्लम से लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, अगर से मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आप कभी गाड़ी पार्क करने तो आते ही होंगे, क्या प्रॉब्लम होती जो आप फेस करते हैं? जी मैम, ऐसा है ना, हम तो मतलब आते हैं तो टू व्हीलर हमारी अपनी पार्किंग करते हैं उधर, लड़कों को मतलब बोल देते हैं कि अपना जो फोर व्हीलर वाले आते हैं वो अपना बाइक की वो गाड़ी की चाबी दे जाते हैं और बोल देते हैं भैया अपना गाड़ी साइड में लगा देना, तो उनको चाबी मिल जाती है। तो वो लड़के क्या करते हैं कि मतलब गाड़ी को स्पीड से भगाते हैं इधर उधर अपना लगाते हैं, तो ये नहीं देखते आगे पीछे क्या है मतलब, और किसी ना किसी से एक्सीडेंट तो कर देते हैं मतलब। कभी आप यहाँ आए होंगे, जब आते होंगे अगर आपका ज़्यादा तौर पे काम पड़ता होगा, पार्किंग अटेंडेंट्स यहाँ पे जो लड़के होते हैं जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं उनका बिहेवियर किस तरह का देखने को मिलता है? मतलब वो किस तरह से होते हैं, बातचीत करते हैं या फिर बेधड़े से गाड़ी निकालते हैं, या फिर आपको कभी लगा हो कि नहीं पार्किंग टैक्टिक्स ही ख़राब है, इनको गाड़ी तो पार्क करना आता ही नहीं है? जी ऐसा तो मतलब नहीं होता कि मतलब गाड़ी लगाते हैं तो मतलब उस समय तो नहीं होता है, मतलब लगता नहीं है कि हाँ ये मतलब उनका बिहेवियर ठीक होता है। और जो बाद में जो मतलब पता नहीं वो गाड़ी चलाते हैं तो उस समय थोड़ा सा होता है कि वो आगे पीछे नहीं देखते, मतलब कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है उस समय नहीं देखते, तो किसी कोई खड़ा है पीछे बैक करते समय या मतलब किसी को एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं होगा मतलब वो चीज़ नहीं देखते वो। अथॉरिटी द्वारा निर्देश किया गया है, लेकिन ठेकेदारों और पार्किंग माफियाओं का यहाँ पे एक बड़ा आप कह सकते हैं एक बड़ा उनके द्वारा एक धंधा चलाया जा रहा है, एक बिजनेस चलाया जा रहा है पार्किंग का। यहाँ पे ठेकेदार के नीचे सब ठेकेदार, सब ठेकेदार के भी नीचे मल्टी ठेकेदार है जिन्होंने पूरी नोएडा की अलग अलग पार्किंग को हाईजैक कर रखा है, और एक बड़ी समस्या है जिस पर प्रशासन और अथॉरिटी दोनों ने ही अपनी नज़रें घुमा रखी हैं। इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस तरफ प्रशासन ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह के हादसे पहले भी सेक्टर 18 मार्केट में हो चुके हैं। नोएडा से विरुजन संदीप के साथ हर्ष जनवानी, न्यूज़ नेशन।